न्यूटन जैसे महाज्ञानी को तक ये विचार आ गया था। मैं अभी बहुत अज्ञानी हूं। इसी जगह ज्ञान की शुरुआत हो जाती है जब मनुष्य सोचने लगता है कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। ये जो वाइब्रेशंस आपको उसमें दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या मनुष्य का ज्ञान इतना अधूरा है कि हर रेणुओं में हर अणुओं के बीच में जो तरंग उठ रहे हैं उसके बारे में कुछ भी आप नहीं कह पाए। इसका मतलब ज्ञान तो हुआ ही नहीं। वाइब्रेशन जो कि ज्ञान स्वयं है वो ज्ञान संपूर्ण ज्ञान हर अणु रेणु के अंदर में स्थित है। जैसे मेरी संपूर्ण भाषा और ज्ञान जो मेरे मुख से जा रहा है इन दोनों में स्थित है, लेकिन ये दोनों ही इससे अनभिज्ञ है कि कौन सा ज्ञान इसमें से गुजर रहा है। हमारे भी अंदर वही ज्ञान तरंगित है, लेकिन हम भी उसी ऑक्सीजन और सल्फर के रेणुओं जैसे अनभिज्ञ हैं कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान लागू और किस चीज को फिर आप सत्य मान कर बैठे हैं। और जब कभी कोई भी आदमी उस सत्य की जरा सी भी पहचान कराने आता है, क्योंकि हम असत्य में खड़े हैं इसीलिए हम द्वेष में भी खड़े हैं, उस सत्य की झलक मात्र भी कोई आदमी कहने आता है तो उसे हम क्रॉस पे चढ़ा देते हैं या उसको हम मदद कर देते हैं, उसको हम खत्म कर देते हैं कि जो वो सत्य है हमारे ऊपर किसी तरह से भी लगते हैं। इससे भी बचानापन क्या और हो सकता है जिस सत्य के कारण स्वयं आनंद आपके हृदय में छिड़ना चाहता है, आपके हृदय में घुसना चाहता है, आपके हृदय में बसना चाहता है, उसी मार्ग को आप अज्ञान में बंद किए हैं। या दूसरी तरह से समझना चाहे तो मैं आपको समझाऊं कि एक कानपुरे बात है जिसमें कि उसकी लकड़ी भी है और उसका नीचे का हिस्सा जिसमें कि आवाज गूंजती है और ऊपर में उसके तार हैं। जब तक उंगलियां तार को नहीं छेड़ेंगी तब तक कोई भी संगीत तैयार होने वाला नहीं, उसमें से संगीत सुनाई देने वाला नहीं, लेकिन उंगलियां तार पे नहीं है। हमारा चित्त उस तार पे नहीं है जिससे आनंद की उपलब्धि होती है, हमारा चित्त उस तानपुरे पर है जो ये शरीर मन बुद्धि अहंकार आदि है। उस तार पे जब तक आपकी उंगली छेड़ेगी नहीं आपको किसी भी चीज से आनंद की उपलब्धि हो नहीं। आप संसार की कोई सी भी चीज ढूंढ डालिए जो भी आपकी आज तक युगों से खोज है वो सारी ही खोजें आप कर डालिए, लेकिन आनंद की उपलब्धि तभी होगी जब सहज में ही आप उन तारों को छेड़ देंगे जिससे कि संगीत उत्पन्न हो। उस तारों की खोज दूर ही से हो रही है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सल्फर डाइऑक्साइड के एक रेणु के अंदर उसके अणु के अंदर जो वाइब्रेशन है ये वही संगीत के तार हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, और वही वाइब्रेशन आपके अंदर से भी बह सकते हैं और फूट करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं जिसके लिए आज संसार में आप मनुष्य रूपेण आए और अहंकार आदि चीजों से सब अलंकृत किए गए और अंत में उस संगीत के आप भूमि बने। बड़ा संगीत का सारा साज सजाया गया था, सब बड़े सुंदरता से जतन करके जमाया गया रंग, लेकिन तार को छेड़ने वाला अगर नहीं मिलेगा तो संगीत कैसे उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए संसार में कहीं भी
जहाँ की बड़ी अमीरी भी है, यहाँ पर लोग बड़े बलिष्ठ हैं, जहाँ बड़े सत्तावान लोग बैठते हैं। आनंद मैंने सुन लिया और न आप ही पाइएगा कि किसी के अंदर वह आनंद की उपलब्धि, कारण उसका एक ही है, वो तार। जिससे कि आनंद की उपलब्धि होती है आपके हाथ नहीं लगा, और उसका कारण यह है क्योंकि वो किसी आकार प्रकार में या किसी विशेष स्वरूप में नहीं होता, इसका कोई भी स्वरूप नहीं, वो एक एनर्जी जैसा है। अगर आप कल बिजली को पकड़ सकते हैं तो उसे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन आप बिजली को नहीं पकड़ सकते, उसी तरह से आप उसे नहीं पकड़ सकते हैं। हालांकि वो आपके अंदर है, आपके हृदय में स्पंदित है, आपके जितने भी स्वयंचालित कार्य हैं, शारीरिक मानसिक बौद्धिक, सब वही करता है और वही आपको अपनी ओर खींच रहा है। उसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक ही है, किंतु परम जीवन का लक्ष्य मात्र है। जब तक संसार इस चीज को सोचेगा नहीं, जब तक इस तौर पूरी तरह से दृष्टि नहीं डालेगा, तब तक संसार का कोई सभी प्रश्न पूछे नहीं। अभी लंदन में भी मेरी किसी लोगों से बातचीत हुई, अजीब अजीब लोग बातें पूछते हैं। एक साथ पूछने लगे कि वियतनाम में इतने लोग मर रहे हैं और आप अपना सहयोग क्या लेके बैठे। मैंने कहा बहरहाल आपके बड़बड़ाने से वियतनाम का वॉर नहीं छेड़ेगा। वाइब्रेशन दैट इज लाफ, दैट इज नॉलेज, दैट इज जॉय। पहला शब्द है वाइब्रेशन, जिसको कि आप लहरियां कह सकते हैं, तरंग कह सकते हैं। जब कोई तार छुपती है उसमें से जो संगीत के तरंग उठते हैं उसे आप वाइब्रेशन कह सकते हैं। भाषाओं का बड़ा स्ट्रक्चर है। बहरहाल भाषा में उसे आप सिखाएं, लेकिन साक्षात में उसे आप देख सकते। अभी हाल ही में मैं जब लंदन में थी तो वहां पर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप से कुछ अणु रेणुओं के मॉलिक्यूल्स के फोटोग्राफ टीवी पर वो लोग दिखा रहे थे। इसमें उन्होंने बताया कि एक सल्फर डाइऑक्साइड का रेणु, जिसमें कि एक सल्फर का अणु है और दो ऑक्सीजन के रेणु हैं, आपस में किसी बंध बॉन्ड से बंधे हुए हैं। आंखों से दिख रहा था, इसका चित्र दिख रहा था, इसके बारे में कोई प्रश्न या भाषा या कोई शंका की बात नहीं, आप आंखों से देख रहे थे। इस तरह के तीन बिंदुओं के बीचों बीच एक शक्ति दौड़ रही थी, मानो जैसे दोनों हाथ झक झक की चीज जा रही हो, जैसे कि सल्फर के दो हाथ हो और वो अपने हाथ से कुछ ऑक्सीजन की ओर डाल रहे हैं और ऑक्सीजन से कुछ चीज सल्फर की ओर आ रही। आप अपनी आंख से देखो, लग रहा था हिल रहे। और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि तीन तरह के वाइब्रेशंस होते हैं, तीन तरह के तरंग होते हैं, जो किसी भी मैटर में, किसी में जड़ पदार्थ में भी दिखाई देते हैं। अब साइंस ने पता लगाया है और इसके बारे में आदिकाल से संसार में बहुत से लोगों ने बताया है। ये जो वाइब्रेशंस चल रहे हैं, जो कि एक जड़ वस्तु में आपके दृष्टि के सामने साफ साफ नजर आते हैं, इसके बारे में कि आप कोई शंका नहीं कर सकते। जो विदित है, जो दिखाई दे रहा है, ये वाइब्रेशन क्या? एक सल्फर डाइऑक्साइड के रेणु में जो अनंत अणु है,
वो किस चीज से वाइब्रेटेड है, उसमें वाइब्रेशन क्या चीज है, इस बारे में साइंस में एक शब्द वाइब्रेशन से सिवा और कुछ नहीं कहा जाता। ऐसे ही मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हमारे हृदय में जो स्पंदन हो रहा है इसमें कौन सी शक्ति है, ये अगर डॉक्टरों से पूछा जाए तो सिवाय इसके कि एक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, एक स्वयं चालित एक संस्था है और कोई भी बात हमारे डॉक्टर लोग नहीं बता। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने जो खोजा सो ज्ञान नहीं, ज्ञान है लेकिन अधूरा ज्ञान है, बहुत ही अधूरा छोटा सा, इसका एक अंश मात्र है, जिसको कि न्यूटन ने एक बार कहा था कि आई एम लाइक अ स्मॉल चाइल्ड कलेक्टिंग पेबल्स ऑन द सोर्स ऑफ नॉलेज। सभी सहजियों से विनती है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सहज को फैलाने में हमारी मदद करें। जय श्री माता जी।